अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू आर ऑल वेल। आज मैं सेल्फ एक्सपीरियंस बेस्ड हनस रिव्यू शेयर कर रही हूँ द ऑर्डिनरी नियासिनमाइड 10% प्लस जिंक 1% का, जिसे यूज़ करते हुए मुझे 2 से 3 वीक्स हो चुके हैं और मेरी सिस्टर इसको 1 मंथ अबव यूज़ कर चुकी हैं और इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है, डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स, फ्रेकल्स, हाइपरपिगमेंटेशन, लार्ज पोर्स के लिए। सबसे पहले तो आप इसकी पैकिंग देख सकते हैं किस तरह से है। अच्छा, ये वाइट कलर का बॉक्स आपने अब तक कहीं ना कहीं देखा होगा किस तरह से है। वाइट कलर का बॉक्स होता है, इसके मैंशन है द ऑर्डिनरी और ग्रे कलर का ये बॉर्डर बना हुआ होता है। बॉर्डर के नीचे मेंशन है नियासिनमाइड 10% प्लस जिंक 1% हाई स्ट्रेंथ विटामिन एंड मिनरल ब्लेमिश फॉर्मूला है। 30 ml इसकी क्वांटिटी है। दो चीज़ें मेंशन की गई हैं, इसको फेस पे यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट लास्ट भी कर लें। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई कर रहे हैं अपने फेस पे तो पहले आप अपने बाजू पे, अपने हाथ पे आप इसको अप्लाई करके देख लें, फिर आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें। और दूसरी बात कि फ्रेग्रेंस फ्री फार्मूला है इसका, किसी भी किस्म की इसमें स्मेल नहीं है। एक्नी प्रॉन स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, जिनको एलर्जिक रिएक्शन जल्दी हो जाता है उनके लिए ये प्रोडक्ट सेफ है। इट मीन्स ऑल टाइप स्किन वालों के लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट है। इसकी विजिबिलिटी भी मेंशन की गई है कि ये रेगुलेट करता है सीबम को, जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है स्किन, उनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है कुछ टाइम के बाद, तो उसको कंट्रोल करता है। और ये आपके पोर्स को भी मिनिमाइज़ करता है, अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पोर्स विजिबल हो रहे हैं तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। और ज़रूरी बात, जिसके बेस पे आपको ओरिजिनल वाला 100% रिजल्ट भी मिलेगा, इसका ओरिजिनल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट ही ओरिजिनल नहीं है तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर आप इस प्रोडक्ट का बारकोड देख सकते हैं जो मैं स्कैन कर चुकी हूँ, जो कि 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट है। और एक और बात मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा मैंने देखे हैं, यहाँ पे लिखा होता है मेड इन चाइना, मेड इन USA, तो यहाँ पे मैं इसलिए ये अंडरलाइन कर रही हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन कैनेडा। तो बेसिकली द ऑर्डिनरी ब्रांड है कैनेडा का। और यहाँ पे ये मैं आपको ओपन भी करके दिखा देती हूँ। ये मैंने बाई किया था bigbasket.pk से और ये आप उनकी वेबसाइट भी देख सकते हैं, और भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट हैं, ये आप चेकआउट कर लीजिएगा। अच्छा, इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी और इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। आप यहाँ से आँखें बंद करके कोई भी आपने प्रोडक्ट बाई करनी हो ओरिजिनल, तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। सबसे मज़े की बात पता है क्या है कि bigbasket.pk पे 50% ऑफ चल रहा है, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट पर इतना ज़्यादा डिस्काउंट, तो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मैंने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा सर्च किया था और मुझे कहीं से भी ओरिजिनल नहीं मिल रहा था। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जब एक चीज़ अपने नाम और काम की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है तो उसकी कॉपीज़ भी आना शुरू हो जाती है। मुझे प्रोडक्ट ओरिजिनल मिल गया और आप इसकी पैकिंग देख सकते हैं, इसका बॉक्स आप देख चुके हैं, जो उसके ऊपर मेंशन था वही इस बॉटल के ऊपर मेंशन है। और बात करें इसके pH लेवल की, तो इसका pH लेवल 5 के अराउंड है, जो कि एग्जैक्टली हमारी स्किन के pH लेवल के अकॉर्डिंग है, ना तो ज़्यादा एसिडिक की तरफ है और ना ही ज़्यादा बेसिक है। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं है। और ये मैं आपको अप्लाई भी करके दिखाऊंगी। और नियासिनमाइड बेसिकली इट्स विटामिन B3, जो आपके फेस पे डलनेस को, लार्ज पोर्स को मिनिमाइज करता है। तो आप इसको फेस पे अप्लाई करते हैं तो आपके फेस पे बड़ा अच्छा सा ग्लो आ रहा होता है, लेकिन आप अगर रात को अप्लाई करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग फेस वॉश भी कर लेते हैं तो आपके फेस पे बड़ा हेल्दी वाला ग्लो रहता है। अच्छा, ये रिंकल्स पे भी बड़ा अच्छे से वर्क करता है, रिंकल्स को रिड्यूस करता है, स्किन इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, लिपिड बैरियर जो स्किन की ऊपर की लेयर होती है जो साइड इफ़ेक्ट से बचाती है, यानी डिहाइड्रेशन वगैरह से, तो ये आपको नियासिनमाइड डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। और जो ब्रेकआउट हो रहा होता है, एजिंग साइंस आ रहे होते हैं, अगर आपकी एज 18 प्लस है और आपके फेस पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स और एजिंग साइंस आ रहे हैं, तो आप इसको मस्ट यूज़ करें अपने स्किन केयर प्रोडक्ट में, ज़रूर इसको ऐड करें। जैसे जैसे स्किन एजिंग की तरफ जाती है, कोलेजन प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है, तो नियासिनमाइड आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, आपकी स्किन को यंगर लुक देता है। सिस्टर ने इसको यूज़ किया था पोर्स के लिए और हाइपरपिगमेंटेशन के लिए। पोर्स को तो इसने काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर दिया है, बिल्कुल कह लें कि ख़त्म हो गया है, और स्किन का टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा हो गया है। ख़ास तौर पे इसने स्किन को काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कर दिया है, स्किन ब्राइट होने की वजह से फ्रिकल्स, हाइपरपिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा लाइट हो चुकी है, ख़त्म नहीं हुई, बहुत ही लाइट हो चुकी है, गौर करने पर नज़र आते हैं। और इसके अलावा एक्नी स्कार्स अगर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े बड़े स्कार्स हैं, गढ़े बने हुए हैं, वो तो ये मिनिमाइज़ नहीं कर सकता, लेकिन अगर थोड़े बहुत आपको एक्नी स्कार्स जैसे हो जाते हैं छोटे मोटे, तो उनको ये रिपेयर कर देता है, उनको मिनिमाइज़ कर देता है बहुत अच्छे से। इसके अलावा अगर आपको एक्नी पिंपल्स का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा सवेर किस्म की एक्नी पिंपल्स हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर आप सैसैलिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, ये स्किन को इवन आउट भी करता है, जैसे आपकी अगर स्किन पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, जैसे लिप्स के अराउंड हो जाती हैं, आपके फोरहेड पे हो जाती है और कहीं कहीं पे धब्बे नज़र आते हैं स्किन पे, अगर इस तरह का कोई इशू है, जैसे मेरे लिप्स के साथ एक छोटा सा ना एक धब्बा सा बन गया था, तो जब से मैं ये स्टार्ट किया है जब से, तो वो काफ़ी हद तक कम हो गया और आई थिंक आफ्टर 2 वीक्स मज़ीद इसको यूज़ करूँगी तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट था मेरे लिए। और इसके अलावा इसने एक्नी मार्क्स को काफ़ी हद तक कम कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा एक्नी इशू तो नहीं है, मंथ में एक आध बार जब कोई पिंपल वगैरह बन जाता है तो उसका जो निशान है वो काफ़ी हद तक इसने लाइट किया है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ अभी। अच्छा, कुछ लोगों को ना टाइनी बम्स बन जाते हैं, वो पिंपल एक्नी की तरह तो नहीं होते लेकिन वो थोड़े हार्ड से टाइनी बम्प्स बन जाते हैं जो फोरहेड पे होते हैं अक्सर, या कभी चीक्स पे, या फिर आपके चिन पे निकल आते हैं, तो उनको भी ये काफ़ी हद तक बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अच्छा, जो स्किन पे ब्राउन या रेड कलर के बम्प्स बन जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, रेड मार्क्स, उनको भी ये ख़त्म करते हैं। 2 वीक्स इसको कंटिन्यूसली अप्लाई करने के बाद, आफ्टर 2 वीक्स आपको कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है अपनी स्किन पे, आपके रिंकल्स काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं, आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं, स्किन टेक्स्चर काफ़ी अच्छा हो जाता है। और एक जो सबसे बड़ी बात जो मैंने नोट किया ना, मेरी बहन ने जब इसको अप्लाई करना शुरू किया था ना, उसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो गई थी। इतना कहते हैं ना, गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना, तो वाकई बात सही है, इतना वाइट हो गया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था वो देख के। मैं भी ये लूँगी और मैं भी अप्लाई करूँगी, इसी तरह से मुझे भी रिज़ल्ट मिलेगा। स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है और इतनी जल्दी कोई चीज़ मुझे सूट भी नहीं करती, और इसने बहुत अच्छा वर्क किया मेरे फेस पे। जैसे कुछ टाइम के बाद ऑयल आना शुरू हो जाता है, अगर आप फेस वॉश करते हैं कुछ टाइम के बाद ऑयल आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे नोज़ के अराउंड ऐसे स्किन चमक रही होती है, तो ऑयल जो है ना वो उसकी प्रोडक्शन काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है और स्किन काफ़ी स्मूथ रेडिएंट लुक देती है। जैसे ऑयल आता है तो वो आपके पोर्स को क्लॉग करता है, उससे कैस्टिक एक्ने का ज़्यादा इशू रहता है। वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ये सॉल्व कर देता है, क्योंकि डीपली आपके पोर्स को नीट क्लीन करने के साथ मिनिमाइज़ भी करता है, तो वाइट हेड ब्लैक हेड्स के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की एक्नी है, तो उस एक्नी के लिए आप इसको, जिससे स्किन पे ज़ख्म हुए हुए होते हैं, तो आप उस पर इसको ना यूज़ करें। स्किन पे रिज़ल्ट जल्दी देखने को मिलता है और कुछ लोगों की स्किन पे बहुत स्लोली ये वर्क दिखाता है, तो आपने कंटिन्यूसली इसको अप्लाई करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। कुछ लोग इस पॉइंट पर आके इसको छोड़ देते हैं कि स्किन ड्राई हो रही है और स्किन पर छोटे छोटे पिम्पल्स आ रहे हैं, एक्नी हो रही है, तो आपने फिर भी इसको अप्लाई करते रहना है, या के स्किन टेक्सचर को काफ़ी अच्छा कर देगा, ब्राइट और ग्लोई बना देगा। आपने इसको छोड़ना नहीं है। और आपने इसको कैसे अप्लाई करना है, आप मॉर्निंग टू इवनिंग दोनों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले कि मैं आपको इसका यूज़ करने का सही मेथड बताऊं, आपने एक मेरी बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप नियासिनामाइड यूज़ करते हैं तो आपने इसको कंटिन्यूसली आपने इसको अप्लाई करते रहना होता है, इसको छोड़ना नहीं होता। एक दिन आप अप्लाई करो, दूसरे दिन कहें कि हमें रिज़ल्ट देखने को मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ये वाइटनिंग क्रीम्स ने हमारा जो है ना दिमाग ख़राब किया हुआ है कि एक दिन में हमें रिज़ल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपने कंटिन्यूसली इसको अप्लाई करते रहना है, तभी आपके स्किन प्रॉब्लम्स दूर होंगे। तो इंग्रेडिएंट हमारे इसके लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल, सिलिकॉन, नट्स, ग्लूटेन, फ्रेग्रेंस इसमें नहीं है। अच्छा, आपने इसको कैसे यूज़ करना है, इसको यूज़ करने के साथ साथ आपने किन इंग्रेडिएंट्स से अवॉइड करना है, आपने इसके साथ कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करना, आपने इसके साथ विटामिन सी यूज़ नहीं करना जब आप ऑर्डिनरी नियासिनामाइड यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर आप कोई नाइट क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके साथ वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो विटामिन सी क्रीम भी नहीं होनी चाहिए और विटामिन सी सीरम भी नहीं होना चाहिए और इसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट भी नहीं होना चाहिए, आप वो क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको मॉर्निंग में यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जिंक 1% है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इसके साथ सनब्लॉक यूज़ नहीं करना। जिंक आपके 1% आपके पोर्स के साइज़ को रिड्यूस करता है, स्किन को इवन आउट करने के साथ साथ मार्क्स, ब्लिमिशेस को रिड्यूस करता है, ब्राउन स्पॉट्स हैं, रेड स्पॉट्स
मार्क्स हैं, एक्नी मार्क्स हैं, एक्नी स्कार्स को मिनिमाइज करता है। इसको अप्लाई करने के बाद जब ये स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए तो उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। आपकी स्किन टाइप कोई भी हो, चाहे ऑयली है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, जो भी स्किन टाइप है, आपने ज़रूर मॉइस्चराइज़र इसके बाद अप्लाई करना है। अगर स्किन ड्राई है तो आपने हेलोरॉनिक यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप कोई भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई द ऑर्डिनरी नियासिनामाइड यूज़ कर चुका है तो आप मेरे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। आपने ये यूज़ किया तो आपको कितने टाइम के बाद रिज़ल्ट मिला, और आप मज़ीद कौन से प्रोडक्ट पर रिव्यू देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।